आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा आप लोग किस तरफ से पेटीएम बिजनेस का सेटलमेंट प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं विकास टेक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम है किसी किसी क्षेत्र में बड़ा भी हो सकता है और किसी किसी क्षेत्र में छोटा भी हो सकता है, तो कैसे इसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट किया जाए तो मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, व्हाट्सएप पे बहुत सारा कंपनी आ चुका है, उसी तरह का पेटीएम बिजनेस भी व्हाट्सएप में आ चुके हैं और हमको मैसेज देते हैं सेटलमेंट फेल्योर अलर्ट। ये जितना भी सर अमाउंट ले रहे हैं ये अमाउंट आपका फ्रीज हो जा रहा है, यानी जो बैंक अकाउंट आपने ऐड करके रखे हैं, पायमानी करके रखे हैं पेटीएम बिजनेस ऐप पे, वो अकाउंट फ्रीज है। इसके लिए पेटीएम बिजनेस आपका जो पैसा है सेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए इधर एक ऑप्शन देते हैं चेंज बैंक अकाउंट। चेंज बैंक अकाउंट पे क्लिक करके अपना बैंक अकाउंट को चेंज कर सकते हैं। ये जो बैंक अकाउंट है इसमें क्लिक करके अपना बैंक अकाउंट को चेंज कर सकते हैं, बट इधर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होता है। ये जो पेटीएम जो नंबर, इस नंबर जो रजिस्टर है, इस नंबर आपका शायद ब्लॉक है। पेटीएम नॉर्मल एप्स जो होता है, ब्लॉक की वजह से पेटीएम बिजनेस भी ब्लॉक है। पेटीएम बिजनेस खुल नहीं रहा है बट पेटीएम बिजनेस का अकाउंट एक्टिव है। जितना भी सारा कस्टमर पेमेंट कर दे रहा है तो वो पेमेंट आ रहा है, बट पेमेंट पेटीएम पेमेंट बैंक ऐड करके रखे तो वो तो फीस है, तो इसीलिए पेटीएम पेमेंट बैंक में पैसा नहीं जा रहा है। इस तरह आपका केस में आपको क्या करना चाहिए, पेटीएम का टोटली आपको क्यूआर कोड से पेमेंट नहीं लेना चाहिए। जब पेटीएम अकाउंट आपका ब्लॉक है, पेटीएम बिजनेस अकाउंट आपका ओपन है, तब पेटीएम का क्यूआर कोड से पेमेंट नहीं लेना चाहिए। पेटीएम का तो बिजनेस ऐप में आ जाएगा बट आप पेटीएम बिजनेस ऐप से पैसा नहीं निकालेगा, क्योंकि आपका पेटीएम पेमेंट बैंक उधर प्राइमरी अकाउंट करके रखे हैं, तो पेटीएम पेमेंट बैंक तो आपका ब्लॉक है। ब्लॉक की वजह से ये प्रॉब्लम आते हैं और पेटीएम बिजनेस ऐप में आप ब्लॉक अकाउंट है तो आप चेंज करने का कोशिश करेंगे तो ये चेंज भी नहीं होगा। आप कैसे चेंज करेंगे? पेटीएम बिजनेस ऐप लॉग इन नहीं कर पाएंगे आप, तो आप चेंज भी नहीं कर सकते हैं। तो साइबर सेल में मैसेज करके पेटीएम को पहले अनब्लॉक करना पड़ेगा, उसके बाद ये अनब्लॉक होगा, इसके पहले नहीं होगा। बट पेमेंट रिसीव हो जाएगा बट सिर्फ ओपन नहीं होगा। तो अभी ये तो बड़ा प्रॉब्लम के बारे में मैं आपको बता दिया हूँ, अभी जो छोटा प्रॉब्लम है कैसे बैंक अकाउंट चेंज करके सॉल्व कर सकते हैं। बैंक अकाउंट चेंज करने के लिए पहले आपको प्ले स्टोर में जाके पेटीएम बिजनेस ऐप को लेटेस्ट वर्जन है अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद पेटीएम बिजनेस ऐप ओपन करना है। ओपन करने के बाद इधर थ्री लाइन मिलता है, थ्री लाइन में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इधर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेटलमेंट सेटिंग। सेटलमेंट सेटिंग में क्लिक करने के बाद इधर आपको एक ऑप्शन दिखा जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और इधर चेंज करके एक ऑप्शन दिखा जाएगा। मैं तो इधर मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऐड करके रखे हैं, तो इधर आपको क्लिक करना है। देखिए, इधर बहुत सारा बैंक अकाउंट आ चुका है, जो बैंक अकाउंट में प्रॉब्लम आ रहा है उसको स्किप करिए। और इधर एयरटेल पेमेंट बैंक है हमारा, इधर है पंजाब नेशनल बैंक है, तो इस तरह का बहुत सारा बैंक अकाउंट है, तो आप ये बैंक अकाउंट में ले सकते हैं अपना पैसा। इधर से आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सेव पे क्लिक करना है। आपके नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी देके प्रोसीड आप जब कर लेंगे तो आपका जो बैंक अकाउंट है चेंज हो जाएगा। देखिए, हमारा नंबर पे ओटीपी आ चुके हैं, 10 से 15 मिनट के अंदर आपका बैंक अकाउंट चेंज हो जाएगा। बट मैं, हमारा जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, मैं इसको चेंज नहीं करना चाहता हूँ, हमारा ये सही है तो ये रहेगा। बट जो अकाउंट ब्लॉक है वो अकाउंट के दिख से पहले आपका पेटीएम अकाउंट को अनब्लॉक करना पड़ेगा, उसके बाद आपका पेटीएम बिजनेस अकाउंट अनब्लॉक होगा, नहीं तो आप पेमेंट लेंगे सब पेमेंट फ्रीज होके रह जाएगा। तो ये ध्यान देने वाला चीज़ है, ऑल टाइम याद रखिएगा, पेटीएम अकाउंट ब्लॉक हो जाते हैं तो पेटीएम बिजनेस, पेटीएम बीसी, जितना भी सारा पेटीएम का ऐप यूज करते हैं सब ब्लॉक हो जाएगा। तो ये है हमारा अनब्लॉक अकाउंट, वो जो बैंक अकाउंट था वो है ब्लॉक अकाउंट, तो इसीलिए मैंने आपको बताया इसके बारे में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छा रहिए। नमस्ते।